हाय फ्रेंड, कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोया मैथमेटिक्स। इसके प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी 2.1 का फुली सॉल्यूशन दिया था, ठीक है। आज मैं आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रॉपर्टीज बताऊंगा, जो कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। तो कहने का मतलब है, आज का जो क्लास होगा मेरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे लेक्चर नंबर 3 होगा, ठीक है। तो यानी कि आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मेरा टॉपिक का नाम क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है उसको देखेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज नंबर ए में, यानी कि प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स क्या है, साइन का एंगल है, ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है क्या होता है, अलवेज थीटा होता है, यानी इसको अलवेज हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी कि इसको हम क्या मान लेंगे, थीटा मानेंगे, यानी कि साइन थीटा, यानी कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। यानी कि फिर कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। यानी कि क्या है, प्रॉपर्टीज है किसका, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स जो होगा अलवेज एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स जो होगा अलवेज क्या होगा, एक्स के इक्वल होगा। टैन इंटू टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। फिर कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स जो होता है वह एक्स के इक्वल होता है। अब इस सब का हम बारी बारी से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आइए इसके प्रूफ को हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ फ्रेंड हम आप लोगों को बताया था कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, थीटा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ यानी कि प्रूफ करेंगे, ठीक है। प्रूफ वन नंबर का प्रूफ करेंगे, यानी कि वन नंबर के प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे लेट, यानी वन नंबर में क्या है, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि लेट थीटा इक्वल टू क्या मान लेंगे, साइन इनवर्स एक्स मानेंगे, कोई दिक्कत। फिर साइन को हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम क्या माने हैं, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो इसीलिए साइन और थीटा के जगह पर क्या कर देंगे हम, साइन इनवर्स एक्स को रख देंगे, वो क्या आया, एक्स के इक्वल आया। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरा, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ। फिर ऐसा ही दो नंबर को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो दो नंबर को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट थीटा बराबर क्या मानेंगे, यानी कॉस इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो इसको कॉस को इधर लाएंगे, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब देखिए थीटा का, थीटा हम क्या माने हैं, कॉस इनवर्स एक्स, तो इसीलिए कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स जो होगा वो एक्स के इक्वल होगा, ये भी क्या होगा मेरा, प्रूफ होगा। फिर तीन नंबर को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब देखिए तीन नंबर में क्या है, लेट थीटा इक्वल टू क्या मान लेंगे, टैन इनवर्स एक्स मानेंगे, फिर टैन को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखिए थीटा की जगह पर हम क्या कर देंगे, टैन इनवर्स एक्स को रख देंगे, तो टैन इनवर्स एक्स जो होगा वो क्या होगा, एक्स इक्वल होगा, ये भी क्या हुआ मेरा, प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखिए यानी फोर्थ नंबर को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ नंबर में क्या है, कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉट इनवर्स एक्स को हम क्या मानेंगे, थीटा मान लेंगे, तो लेफ्ट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट को इधर लाएंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखिए थीटा हम क्या माने हैं, कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ लिख देंगे कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, ये भी क्या हुआ मेरा, प्रूव हो गया। फिर वैसा ही फाइव नंबर को हम क्या करेंगे, फाइव नंबर को हम प्रूव करेंगे, फाइव में क्या है, कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। तो कॉसेक इनवर्स को हम क्या मान लेंगे, लेट कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो इसीलिए क्या लिख देंगे, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक को हम क्या उधर भेजेंगे,
क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब देखिए थीटा इक्वल टू क्या मानेंगे माने हैं कोसेक इनवर्स एक्स माने हैं, तो कोसेक इनटू कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ये भी मेरा क्या हुआ प्रूव हो गया। अब क्या सिक्स नंबर को हम प्रूव करेंगे, सबसे पहले क्या मानेंगे लेट सेक लेट थीटा इक्वल टू क्या मानेंगे सेक इनवर्स एक्स, सेक को इधर लाएंगे तो सेक थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब सेक इनटू सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। या निकालने का मतलब यहाँ थीटा की जगह पर क्या रख दे सेक इनवर्स एक्स को रख दिए, तो ये भी मेरा क्या हो गया प्रूफ हो गया। या निकालने का मतलब क्या था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रॉपर्टी नंबर ए था, ठीक है। अब बी को देखेंगे, यानी कि एक बार और समझा देते हैं, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं एंगल बोलते हैं, तो एंगल को मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। फिर साइन को इधर लाए तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ थीटा इक्वल टू हम क्या माने हैं साइन इनवर्स एक्स माने हैं, तो यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू रख दिए तो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया एक्स हो गया, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए अब आइए क्या है मेरा प्रॉपर्टीज बी है, ठीक है। इसको हम देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है प्रूफ डेट साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा होता है, टैन इनवर्स टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा होता है, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा होता है, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा होता है, फिर कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा होता है। तो सबसे पहले इसका हम प्रूफ देखेंगे, प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे लेट x इक्वल टू क्या साइन थीटा, यानी साइन थीटा को हमने क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है। साइन को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ x का मान क्या है साइन थीटा है, ठीक है। तो क्या कर देंगे इसीलिए साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया थीटा इंप्रूव हो गया, यानी कि मेरा फर्स्ट नंबर क्या हो गया प्रूफ हो गया। फिर दो नंबर को देखेंगे, फिर क्या दिया है फिर यहाँ हम मान लेंगे लेट यानी एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे यानी कॉस थीटा को एक्स मान लिए, यहाँ कॉस थीटा एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस को इधर लाएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक्स का वैल्यू क्या है कॉस थीटा है, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ये भी मेरा क्या हुआ प्रूफ हो गया। अब देखिए तीन नंबर को प्रूव करेंगे, ठीक है। यानी कि कोसेक टैन इनवर्स टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा होता है, टैन थीटा को हम क्या मान लेंगे लेट यानी कि एक्स इक्वल टू क्या टैन थीटा, अब टैन को इधर लाएंगे तो टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू को रख दीजिए तो टैन इनवर्स टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, ये क्या हुआ यानी थर्ड नंबर भी प्रूव हो गया। अब आइए फोर्थ नंबर को प्रूव करेंगे, फोर्थ में क्या है यानी कि कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा होता है, तो लेट कोसेक थीटा इक्वल टू हम क्या मान लिए एक्स मान लिए, तो इसीलिए कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब देखिए एक्स का हम एक्स के जगह पर क्या माने हैं कोसेक थीटा रख देंगे, यहाँ कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया थीटा हो गया, यानी ई भी मेरा क्या हुआ प्रूव हो गया यानी फोर्थ नंबर प्रूव हो गया। फाइव नंबर देखेंगे, देखिए यहाँ सेक इनवर्स सेक थीटा को हम क्या मान लेंगे लेट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक थीटा, इसीलिए सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब देखिए सेक इनवर्स एक्स के वैल्यू क्या है सेक थीटा, तो सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। फिर फाइव नंबर में देखें सिक्स नंबर को प्रूव करेंगे, सिक्स में हम क्या करेंगे लेट कॉट थीटा इक्वल टू क्या मान लेंगे एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे कॉट थीटा मान लेंगे। अब देखिए कॉट को इधर लाएंगे तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब एक्स के वैल्यू को रख दीजिए कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ये भी क्या हुआ मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है।
देखिए यहाँ हम क्या किए हैं, यानी कि साइन थीटा को हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है, तो साइन को इधर भेजेंगे इनवर्स लेकर आएगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ चालाकी किए हैं कि एक्स के जगह पर हम मानवा पुट कर दिए, यानी एक्स इक्वल क्या होता है साइन थीटा होता है, तो यहाँ एक्स के जगह पर मान रख दिया, वह साइन सब में किया गया है। ठीक है, आसान है, उतना भारी नहीं है, लेकिन इसका यूज हमको यानी जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे ना वहां कहीं कहीं इसका यूज होगा, इसलिए मैंने इसको लिखा दिया है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज सी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम यानी कि प्रॉपर्टीज नंबर सी को देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या करें, यानी हमको क्या करना है, प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स जो है अगर उसको हम कोसेक इनवर्स में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स का जो एंगल होगा वन बाई एक्स हो जाएगा। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रूफ, तो हम लिखेंगे कि लेट यानी कि थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, साइन को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि वन बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, एक स्टेप और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो वन बाई साइन थीटा इक्वल टू वन बाई एक्स लिख सकते हैं, फिर इसको पलट देंगे तो वही बात होगा। अब देखिए यहाँ वन बाई साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा, वन बाई एक्स हो गया। अब देखिए आप कोसेक को उधर भेज देंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स हो जाएगा। अब देखिए थीटा हम क्या माने हैं, तो इसीलिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स हो जाएगा। ये क्या होगा, मेरा फर्स्ट नंबर प्रूफ हो गया, ये क्या है वन नंबर था। ठीक है, अब आइए टू नंबर को देखते हैं, यानी टू नंबर में क्या है मेरा, कॉस से कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स वन बाई एक्स प्रूव करना है। ठीक है, तो लेट थीटा इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस को इधर लाएंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब इसको हम वन बाई कॉस थीटा, तो वन बाई एक्स लिख लेंगे, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू वन बाई एक्स, तो इसको थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स वन बाई एक्स। अब देखिए थीटा हम क्या माने हैं, तो इसीलिए कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है सेक इनवर्स वन बाई एक्स। ये क्या हुआ मेरा, यानी प्रॉपर्टीज मेरा सी का दो नंबर प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आइए हम क्या करेंगे, तीन नंबर को प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ का तीन नंबर देखिए यहाँ इसमें क्या है, यानी कि लेट टैन, इसमें हम क्या करेंगे थीटा को हम टैन इनवर्स एक्स मान लेंगे। ठीक है, अरे थीटा इक्वल टू क्या हो गया, टैन इनवर्स एक्स हो गया, टैन भी इधर लाएंगे, टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। जब यहाँ कॉट थीटा लिखेंगे तो वन बाई एक्स हो जाएगा, कॉट को उधर भेज देंगे थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स वन बाई एक्स, और देखिए यहाँ अब थीटा का मान क्या है, टैन इनवर्स, इसीलिए टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स वन बाई एक्स। यानी कि मेरा प्रॉपर्टी सी का थ्री नंबर भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर डी को देखेंगे। अब देखिए अब यहाँ क्या है, प्रॉपर्टी नंबर डी है। ठीक है, इसमें क्या करना है, प्रूव दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, फिर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, फिर टैन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस टैन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है,
तो चलिए फ्रेंड ये क्या है मेरा, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर डी है, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, फिर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जितना भी एंगल माइनस में है वह क्या हो जाता है, माइनस बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रूफ वन, लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन को इधर लाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस को इधर ला देंगे, माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब माइनस को अंदर, यानी माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस, कल ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था, माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा हो जाता है, इसको हम एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब साइन को उधर भेज देंगे तो माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तब इसीलिए थीटा हम क्या माने हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स आ गया। क्या हुआ मेरा, वन नंबर प्रूफ हो गया। फिर दो नंबर देखेंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे, लेट यानी कि कोसेक इनवर्स एक्स थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, फिर कोसेक को इधर लाएंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, इसीलिए माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो माइनस कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक माइनस थीटा हो जाता है, कोसेक को उधर भेजेंगे तो कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, इसीलिए थीटा जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब थीटा का वैल्यू क्या है, कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स जो हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर हो गया। ठीक है, यानी कोसेक इनवर्स माइनस एक्स लेकर चले तो क्या आ गया, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स आ गया, हमको वही ना प्रूफ करना था। ठीक है, दो वो यानी दो नंबर भी प्रूफ हो गया। अब देखिए, अब ये वो है क्या, लास्ट नंबर। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब तीन नंबर है। अब आइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा, टैन को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस को इधर लाएंगे तो माइनस टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, फिर माइनस को उधर भेज देंगे, सॉरी अब माइनस को अंदर भेज देंगे, यानी माइनस टैन थीटा क्या होता है, टैन माइनस थीटा हो जाता है एक्स। अब टैन को उधर भेजेंगे तो माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स एक्स। अब देखिए, अब फिर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन माइनस टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब थीटा का वैल्यू को, यानी थीटा का वैल्यू को यहाँ रखिए, तब इसीलिए टैन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरा ये तीन नंबर भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ। अब है यानी कि ई नंबर प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये क्या है, प्रॉपर्टीज नंबर ई है। अब देखते हैं इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ सबसे पहले हम वन नंबर को प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ वन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब में वही काम करेंगे, लेट थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिख देंगे। अब कॉस को इधर लाएंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस को इधर लाएंगे तो माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ कल हमने फॉर्मूला बताया था कि माइनस साइन थीटा जब होता है तो
माइनस को एंगल में भेज देते हैं, यानी कि माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन माइनस थीटा हो जाता है। लेकिन कॉस के साथ क्या होता है, माइनस कॉस थीटा जब लिखा रहता है तो वहां पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यानी कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। यानी कल मैंने फॉर्मूला बताया था कि माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब वही फॉर्मूला हमने यूज किया, ठीक है, यानी कि माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है कॉस पाई माइनस थीटा, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया, यानी माइनस कॉस थीटा जो इतना रख दिया, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, कॉस को उधर भेज देंगे, ठीक है, तो पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ, अब थीटा को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तब इसीलिए थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यही ना प्रूव करना था हमको, यानी कॉस इनवर्स माइनस एक्स लेकर चले तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ गया, तो मेरा प्रूफ हो गया। अब आइए दो नंबर प्रूफ करते हैं, दो नंबर में क्या है, सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो लेट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक को इधर लाएंगे तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब माइनस सेक थीटा इक्वल टू एक्स क्या होता है, कल मैंने फॉर्मूला बताया था कि सेक पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। अब सेक को उधर भेज देंगे तो पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखिए थीटा को उधर भेज देंगे और सेक इनवर्स एक्स को इधर ला लेंगे तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। अब देखिए थीटा का वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो इसीलिए सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, यही ना प्रूफ करना था हमको, यानी कि दो नंबर भी मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीन नंबर को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तीन नंबर में क्या करेंगे, लेट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स, तो माइनस कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स, इसको लिख सकते हैं, यानी कि माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखिए कॉट को उधर भेज देंगे तो पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ, अब इसको हम लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब देखिए थीटा की वैल्यू को रख दीजिए यहाँ तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, यानी कि तीन नंबर भी मेरा क्या होगा, प्रूफ होगा, ठीक है। अब क्या है ये, वो अब ई एफ नंबर पर, अब आइए, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर क्या है, एफ है, यानी कि इसमें क्या होता है, ये क्या है मेरा प्रॉपर्टी नंबर एफ है, जिसमें हमको क्या प्रूफ करना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई टू होता है। फिर कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई टू होता है। फिर टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई टू होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, तो किसी एक को हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, ठीक है, या इसको मानिए या इसको मानिए, किसी को मानिएगा तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वन नंबर को प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ लेट हमने मान लिया कि थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा माना, तो साइन को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ, यहाँ क्या, यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कि हमको क्या लाना है, पाई बाई टू लाना है, ठीक है। तो हमने 10th क्लास का एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है,
साइन थीटा होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। यानी कि अब यहाँ देखिए, अब यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा के जगह पर हम डायरेक्ट कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा रखेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, यानी कि हम कॉस पाई बाई टू में से जब थीटा को घटाएंगे तो वह क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब देखिए यहाँ, यहाँ अब कॉस को उधर भेज देंगे तो पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए कॉस को उधर भेज दिए, आप क्या करेंगे, थीटा को उधर भेज देंगे तो अब क्या हो जाएगा, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, यानी कॉस इनवर्स एक्स वहीं पे है, थीटा को उधर लाए हैं तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो गया, पाई बाई टू वहीं पे है, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसको हम क्या किए हैं, यानी कि एक दो स्टेप और बढ़ाई तो समझ में आएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई टू इक्वल टू थीटा कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए अब दोनों को प्लॉट देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, तब इसीलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई टू होता है, यही ना प्रूफ करना था, यानी कि वन नंबर मेरा प्रूफ हुआ। अब आइए दो नंबर को प्रूफ करते हैं, दो नंबर में क्या है, यानी कोसेक इनवर्स एक्स को आप क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे, ठीक है। तो लेट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स को इधर लाइए तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट सेक पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी सेक पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, क्या हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए सेक को उधर भेज दीजिए तो पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब थीटा को उधर भेजिए, पाई बाई टू थीटा प्लस सेक इनवर्स एक्स, अब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू इक्वल टू थीटा प्लस सेक इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ अब हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट देंगे तो थीटा प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। यानी कि दो नंबर भी मेरा क्या हुआ, प्रूफ हुआ, ठीक है। अब एक लास्ट तीन नंबर है, तीन नंबर में है, यानी टैन इनवर्स एक्स को हम क्या मानेंगे, लेट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा। टैन को इधर लाएंगे तो टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ, यानी कि इसको हम डायरेक्ट कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, यानी कि कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। कॉट को उधर भेज देंगे, पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब पाई बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इसको प्लॉट देंगे, थीटा प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, अब थीटा की वैल्यू यहाँ से, यानी ई वाला मनवा हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई टू हुआ, यानी कि मेरा थर्ड नंबर भी क्या हुआ, प्रूफ हो गया, ठीक है। यानी कि ई प्रॉपर्टी नंबर क्या था, एफ था, ठीक है। अब यानी कि अभी इसमें प्रॉपर्टीज नंबर कहाँ तक है, यानी कि एच आई जे तक है, ठीक है। तो यानी कि अगर पूरे प्रॉपर्टीज को मैं दूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बचा हुआ जो पार्ट है इसको मैं यानी लेक्चर गाइस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू।